हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं जा रही हूँ दिल्ली, तो मैंने सोचा मुझे व्लॉग करना चाहिए। और मेरे साथ जा रहे हैं मम्मा, हेलो बोलो। और साथ में जा रही है तन्नू, हेलो बोलो। और हमें सुबह सुबह मिली है ट्रेन में चाय और साथ में दो बिस्किट मारी गोल्ड वाले। और अभी मैं चाय के साथ बिस्किट इंजॉय कर रही हूँ, तन्नू भी कर रही है, मम्मा ने ऑलरेडी पी ली है। मेरा पता दिल्ली आने का ना एकदम से प्लान बन गया और मेरे पास बिल्कुल भी ऐसे टाइम नहीं था प्रेपरेशन वगैरह का। और मुझे नेल्स करवाने थे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है नेल्स करवाने। और फिर मेरे पास प्रेसॉन्स पड़े थे, वो मैं साथ में ले आई। और ट्रेन में बैठे बैठे तन्नू ने मेरे प्रेसॉन्स कर दिए, वो भी इतने अच्छे, बिल्कुल प्रोफेशनल्स की तरह। देखो कितनी टैलेंटेड है ये। शताब्दी में आने का एक फ़ायदा तो है, यहाँ पर खाना बहुत अच्छा अच्छा मिलता है। अभी मुझे मिला है खाने के लिए ब्रेड और उसके बीच में है कटलेट्स, मैंने गिरा दिया, एक सेकेंड। ब्रेड और उसके बीच में है कटलेट और साथ में है मटर और गाजर। और मुझे साथ में फ्रूटी भी मिली है और साथ में दिखा चाय और फ्रूटी साथ साथ में लेकर बैठी हुई है अपने। हाँ वैसे मैं फ्रूटी भी होंगी, ये चाय साथ में अपने पर्स में डाल लूँगी, स्नैपचैट स्टोरीज पे बोलेगी गाइस मैं बीमार हो गई। मैं तो ट्रेन में इतने घंटे बैठे बैठे थक गई, अब मैं फाइनली होटल आ गई हूँ। और होटल का नाम है ओरनम कुछ ऐसा ही है। अभी मैं अपने रूम में आ गई हूँ, मैं आपको रूम दिखाती हूँ, वैसे तो मैंने भी नहीं देखा, साथ साथ में देखते सारे। ये रहा क्लोज़ेट, इसमें मैं अपने कपड़े रखूँगी। और ये क्या है, तिजोरी रखी हुई है। और ये है बेड और साथ में ये सोफ़ा पड़ा है। और ये टेबल है और यहाँ पे भी टेबल है। और व्यू कैसा है यहाँ का, ठीक है व्यू। तो तन्नू नीचे पूल है, मज़ा आएगा। देखो इसकी एक्साइटमेंट देखो, ये बस इसको था मुझे पूल चाहिए, पूल चाहिए। मैं तन्नू और मम्मा आए हुए हैं पैसिफिक मॉल यहाँ पे शॉपिंग करने। हम यहाँ पे H&M और मिनीसो ढूंढ रहे हैं, हमें नहीं पता यहाँ पे है या नहीं, बट हमें मिनीसो की बारबी कलेक्शन चाहिए। हम उसके लिए आए क्योंकि हमारे वहाँ पे ना पंजाब में जलंधर में मिनीसो की बारबी कलेक्शन है नहीं, तो हम उसके लिए स्पेशली आए हैं। ये मॉल काफ़ी बड़ा है, हमारे वहाँ पे तो जलंधर में ऐसे मॉल्स बिल्कुल नहीं है, काश वहाँ पे भी होते। पहले पता मैं गलत पैसिफिक मॉल में चले गई थी और मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे इतने सारे पैसिफिक मॉल है। और अब मैं एक घंटा ट्रैवल करके दूसरे पैसिफिक मॉल आई हूँ जहाँ पे मिनीसो है और जहाँ पे बारबी की कलेक्शन भी है। ये है मिनीसो की बारबी कलेक्शन और मैंने काफ़ी कुछ लिया, काफ़ी कुछ नहीं है एक्चुअल में, दो चीज़ें ली हैं बट वो बहुत अच्छी हैं। ये है मिनीसो की बारबी कलेक्शन, ये मैंने फाइनली ले ली है। कल रात को मैं मॉल में बिल्कुल थक गई थी तो फिर मैं होटल आते ही बस सो गई क्योंकि मुझे था बस मुझे सोना और मैंने डिनर भी स्किप कर दिया। और अभी सुबह उठी हूँ, इतना ज़्यादा फ्रेश फ्रेश सा फील हो रहा है और मैंने शावर लिया है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है और वेदर भी बहुत ही अच्छा आज का। देखो अरे कैसे दिखाऊँ, घूम जा, कितना अच्छा लग रहा है वेदर भी। कल वैसे मैंने इतनी ज़्यादा शॉपिंग तो नहीं की बट अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या बाय किया। मैंने लिया है ये बारबी वाला क्यूट सा बैग, इसका कलर बहुत अच्छा और ब्लिंगी ब्लिंगी सा है। और मैंने ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट सा पिलो भी लिया है बारबी वाला, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मैं इसको अपने रूम में रखूँगी, बहुत ही अच्छा लगेगा ये मेरे रूम में। और मैंने अभी वैसे वेयर किया हुआ है पिंक कलर का हेलो किटी वाला नाइट सूट, ये भी काफ़ी क्यूट और पिंक पिंक सा है। मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए आ गई हूँ, ये है मेरा भाई, हेलो बोलो। हेलो हेलो, इतना सुंदर बन गया सुबह सुबह। और ये मेरे मम्मा, ये भी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, बोरी तन्नू। देखो कैसे प्लेट भर के बैठी है। ये सारी इसकी हैं, तीनों की तीनों। मैंने लिया है ये चने और साथ में ये भटूरा सैंडविच भी ले लिया और साथ में गुलाब जामुन भी क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठे की क्रेविंग हो रही थी। और साथ में ये चाय तो मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सुबह सुबह। अभी आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसा है ये भटूरा। एक बार ही नहीं आया, एक बार ही तो आया, एक खाया मेरे, फिर मैंने कोई दुख नहीं लग रहा। काफ़ी अच्छे हैं भटूरे तो, मैंने बड़ा दुख, चनों में बहुत ही अच्छा टेस्ट आ रहा है किसी मसाले का, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये। और गुलाब जामुन तो टेस्टी होगा ही, बहुत ही ज़्यादा गरम गरम सा गुलाब जामुन है। बहुत अच्छा है।
मैं आई हुई हूँ अपने भाई के ऑफिस, उसका ऑफिस दिल्ली में, उसने न्यू ऑफिस लिया था। एक्चुअल में मैं उसका ऑफिस ही देखने आई थी, तो आज मैंने ऑफिस भी देख लिया, तो आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। तो मैं आपको बाहर बाहर से ही थोड़ा सा दिखा रही हूँ ऑफिस। ये है उसका ऑफिस, मैं आई हूँ प्रोमिनार्ड मॉल। यहाँ पे बहुत सारे मॉल्स हैं, आज मैं सारे एक्सप्लोर करूँगी। वैसे मैं अभी आपको आज का आउटफिट दिखाती हूँ। मैंने पहना हुआ है ये कॉर्ड सेट पहना हुआ है, और साथ में ये ग्लासेस, ये बैग, और ये हील्स ट्रांसपेरेंट से, और गोल्डन ज्वेलरी, मतलब आज मैंने गोल्डन गोल्डन सारा एक्सेसराइज किया। और अभी मैं जाऊँगी, मतलब ये सारे मॉल्स में मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। यहाँ पे बोलिंग हो रही है, तनु बोल रही है चल बोलिंग करने चलते हैं, बट अभी हम थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे, इसको लेकर जाऊंगी कुछ भी करके। और सब कुछ कितना अच्छा है, मेरा मन कर रहा है, और मैंने मम्मा आ जाओ, मेरे मम्मा इतना धीरे धीरे चलते हैं, मेरा मन कर रहा है मैं ना दिल्ली में शिफ्ट हो जाऊँ। और ये डैडी कितना बड़ा, मुझे ये कोई डैडी दिला दो, ये बहुत अच्छा है, मुझे ये डैडी चाहिए। मुझे पता ऐसी साड़ी ना बहुत अच्छी लगती है, ऐसी। अरे नीचे हो जा, ये हो क्यों नहीं रहा, ऐसी बिल्कुल ना ट्रेडिशनल सी। मुझे ना, मैं सोचती हूँ कि जब मेरी शादी हो जाओगी, अरे यार मुझे गिम्बल क्यों नहीं यूज़ करना आ रहा, मैं सोचती हूँ कि जब मेरी शादी हो जाएगी ना, मैं ऐसी साड़ी पहनूंगी। मम्मा कैसे स्माइल कर रहे मेरी बात सुन के। मैं घूम रही थी और मेरे सैंडल्स बिल्कुल टूट चुके हैं, उनके ऊपर ना एक चेन थी और वो चेन बिल्कुल टूट गई, तो मैंने कोई जुगाड़ लगाकर जो मेरे बैग की चेन थी उससे जोड़ने का ट्राई किया, बट अब मेरे से चला नहीं जा रहा। मुझे एक मॉल से दूसरे मॉल का रास्ता तक नहीं पता, कैसे जाना है, क्या करना है, मुझे पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ। मैं बिल्कुल थक गई हूँ, मेरे पैर दुख रहे हैं और मेरे सैंडल्स बहुत खटी है, मैं क्या करूँ। और मैं अपने सैंडल्स दिखा रही हूँ, रुको। तो ये है मेरे सैंडल्स, देख लो आप, अंधेरा है थोड़ा सा, बट ये देख लो, ये मैंने बैग की चेन यहाँ पर लगाई हुई है, मुझे लग रहा है ये चेन भी उतार देनी चाहिए, और बहुत ही बुरा हाल हुआ पड़ा मेरा। डिनर करने के लिए आया बिल्कुल इंडियन रेस्टोरेंट जगरनॉट, और हमने आज इंडियन वेयर किया है इसके लिए, हमने सारे आउटफिट्स कोऑर्डिनेट किए थे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है डोसा की, तो अभी मैं डोसा ऑर्डर करूँगी और मैं आपको थोड़ा आसपास दिखाती हूँ। मतलब बहुत ही अच्छी इंडियन सी वाइब लग रही है मुझे यहाँ पे, आप देख सकते हो बिल्कुल, ये एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, कितना बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे गोलगप्पे भी हैं, गोलगप्पे कहाँ लिखा था मैंने, भी पढ़ा था गोलगप्पे, आई गेस मॉकटेल्स है। यहाँ पे गोलगप्पे भी मिलेंगे, आप देख सकते हो यहाँ के ग्लास कितने अच्छे हैं, पीतल के हैं शायद, अच्छे लग रहे हैं मुझे। हाँ नहीं, मम्मा बोल रहे तांबे के हैं, तो तांबे के ग्लास हैं। ये है रसम इन पापड़, अभी मैं इसको ट्राई करूँगी, ये क्या है, मैंने ये कभी भी ट्राई नहीं किया। इस पापड़ को इस रसम में डिप करके खाना है, और अभी मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसा है। इसको पहले थोड़ा सा तोड़ लेती हूँ। ये बहुत अच्छा है, ये ना ऐसे का पापड़ ना छोटे होते ना मेरी गली में मिलता होता था और मैं बहुत खाती थी। मेरी गली में ना कोई भैया आते थे ये बेचने, उसके ऊपर ना ऐसे कोई रेड कलर की चटनी होती थी और मुझे बहुत अच्छा लगता था। ये थोड़ा थोड़ा सा खट्टा खट्टा, इसमें हींग का टेस्ट है ना, हींग का टेस्ट आ रहा है बहुत ज्यादा, और ये खट्टा खट्टा है, बहुत अच्छा है। क्या मेरा मसाला डोसा कितना अच्छा लग रहा है, ये इन्होंने पूरा साउथ इंडियन स्टाइल में सर्व किया है, वो भी बनाना लीफ के ऊपर। ये है सांबर, तीन तीन चटनी, और वाइट वाली मेरी फेवरेट है, और साथ में ये सी इडली है। बहुत ही अच्छा टेस्ट है इसका, आई मीन जो मैंने डोसा पंजाब में खाया ना उससे इसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट और ऑथेंटिक लग रहा है। और अभी मैं इसकी इडली ट्राई करूँगी, इडली है पता नहीं क्या इडली लग रही है, इसको ऐसे सांभर के साथ खा के देखती हूँ, ये पता नहीं इडली है क्या है, मेरे को पता नहीं, मम्मा इडली है ना, ये इडली नहीं है। मैं मम्मा से बार बार पूछ रही हूँ, मम्मा बोल रही हैं कि इडली है, और आइए से इनकी कोई स्वीट डिश है, पता नहीं क्या कौन सी स्वीट डिश, बट ये अच्छी है और मुझे इडली लगी, मैंने इसके ऊपर सांभर लगा के खा लिया। ये हमने किया ऑर्डर अनार डोसा, जो कि मेरे भाई ने आधा खा लिया है,
अब मैं इसको ट्राई करूँगी। मुझे नहीं पता था कि अनार डोसा जैसी भी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है, मैंने पहली बार ये नाम सुना है और इसको भी ट्राई करने जा रही हूँ। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे आइसक्रीम का कोन और उसके बीच में आलू और उसके साथ में सांभर। अच्छा टेस्ट में, बट जो मसाला डोसा वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। ये हैं गोलगप्पे, देखो कितने फैंसी स्टाइल से सर्व किए हुए हैं। मतलब ये ग्लास है और उसके साथ ये गोलगप्पे। मतलब मैंने इतने फैंसी गोलगप्पे नहीं देखे, मैंने तो जो सड़क पे मिलते वही वाले खाए हैं। ये रहा मेरा साउथ इंडियन गोलगप्पा। वही पानी गिरा दिया मैंने थोड़ा सा। सूजी का गोलगप्पा और बिल्कुल भी तीखा नहीं है, मुझे ठीक ठाक लगा। मुझे ना मेरे सड़क वाले गोलगप्पे ज़्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि ये तीखा तीखा नहीं है, बट ठीक है, आई मीन ठीक मुझे नहीं अच्छा लगा। मैं ट्राई करूँगी ये पालक पत्ता चाट, इसके ऊपर दही है, चटनी है और अनार है और ये पता नहीं क्या है, पकौड़ियाँ। बिल्कुल वाओ, ऐसे लग रहा है कि पालक का कुछ पतला पतला क्रिस्पी क्रिस्पी सा पकौड़ा है जिसको बहुत ही ज़्यादा फ्राई किया है क्रिस्पी करने के लिए और उसके ऊपर दही डाला है, चटनी डाली है और ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी है। आई गेस अभी तक जो भी मैंने चीज़ें ट्राई की हैं आज की मुझे बेस्ट चीज़ यही लगी और इसको मैं 10 में से 10 रेट करूँगी, ये बेस्ट है आज का। वाओ, आज लास्ट है मेरा दिल्ली में और आज मैं आई हूँ कनॉट प्लेस और आज मुझे यहाँ पे स्ट्रीट फूड ट्राई करना है और थोड़ी थोड़ी सी शॉपिंग भी करनी है। मम्मा और तनु के साथ आई हुई हूँ। यहाँ पे कितने सारे कबूतर हैं और ऊपर उड़ भी रहे हैं, आई मीन ऑब्वियसली उड़ेंगे। अरे पता नहीं कहाँ चले गए, अभी थे बहुत सारे, कितने सारे हैं। पहले हम शायद कोई गलत जगह में घुस गए थे और अभी सही वाली मार्केट में जा रहे हैं। आइए हम आए हैं पालिका, सही है कि नहीं। यहाँ पे हम पालिका बाजार आए हैं। मैंने सुना यहाँ पे कोई बेसमेंट टाइप मार्केट है, मैं वहाँ पे जा रही हूँ। मैं बेसमेंट वाली मार्केट से बाहर आ गई हूँ, बहुत ही ज़्यादा रश था वहाँ पे। आई मीन वहाँ पे शॉपकीपर्स कैसे कैसे थे, मैम सैंडल नंबर, आपका जीन्स का साइज, आ जाओ मैडम आ जाओ, मतलब इतना ज़्यादा बोल रहे थे टैटू बनवा लो टैटू बनवा लो। और फिर हमें भूख लग गई, फिर वहाँ पे ना कुछ ऐसे स्ट्रीट फूड तो मुझे मिला ही नहीं। मैंने सोचा था कि यहाँ पे कुछ स्ट्रीट फूड होगा बट मिला नहीं। तो अभी हम जा रहे हैं हल्दीराम ऑटो में बैठ के, और यहाँ के ऑटो कितने छोटे हैं पंजाब के कंपैरेटिवली। हल्दीराम्स में ऑर्डर किया है छोले भटूरे, काफ़ी अच्छे भटूरे लग रहे हैं। और मैंने साथ में ऑर्डर किया है मटर कुलचा, अभी टेस्ट करने लगी हूँ मटर कुलचा। सही है ये, अभी मैं आपको ट्राई करके बताती हूँ भटूरे छोले भी, फिर मैं आपको बताऊँगी क्या बेटर लगा मुझे। भटूरे छोले बहुत अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। आई मीन मैं इसको 10 में से 10 रेट करूँगी बट मटर कुलचा को मैं 10 में से 7 रेट करूँगी, बट दोनों अच्छे हैं मुझे, भटूरे छोले तो बहुत अच्छे लगे। मैंने 2 दिन में काफ़ी शॉपिंग की है, आई मीन बहुत सारी तो नहीं बट थोड़ी तो की है। अभी मैं आपको एक क्विक हॉल दूंगी कि मैंने क्या क्या बाय किया। परसों मैं मॉल गई थी, वहाँ से मैंने एक ये टॉप लिया, ये काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी सी वाइट दे रहा और मुझे इसका आर्म का डिज़ाइन काफ़ी क्यूट लगा और रेड मेरा फेवरेट कलर है तो मुझे बहुत पसंद है। और एक और टॉप लिया वो भी रेड कलर का, ये भी काफ़ी क्यूट है, आई मीन मुझे कॉलर वाला टॉप चाहिए था, ये क्यूट क्यूट है। और आज मैं गई थी 3-3 बाज़ार, एक मैं CP गई थी और उसके बाद चांदनी चौक एक और बाज़ार था, नाम क्या था उसका, मैं तो कंफ्यूज ही हो गई, इतने सारे बाजार हैं यहाँ पे, याद नहीं आ रहा। और जैसे था कुछ भूल गई मैं, इतनी देर लगा के बाजार का नाम याद किया, मुझे याद आ गया बाजार का नाम था जनपद। तो मैंने CP से लिया ये टॉप और मैंने बहुत ज़्यादा बार्गेन किया, ये मुझे 550 का बोल रहे थे,
ये वाला टॉप मैंने लिया है सिर्फ 350 में, मैं 300 बोल रही थी, वो 300 में मान ही नहीं रहे थे, तो फिर मैंने 350 में ये ले लिया। और आई मीन मैंने 200 रुपीज़ बार्गेन कर लिए, तो ये बहुत बड़ी बात है। और मैंने ये कुर्ती ली, ये 250 की बोल रहे थे, तो मुझे लगा 250 काफ़ी अच्छा प्राइस है इसके लिए, तो मैंने बार्गेन नहीं किया, तो मैंने ये 250 में ले लिया। इसकी एम्ब्रॉयडरी काफ़ी अच्छी है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये कुर्ती। फिर उसके बाद मैं गई थी चांदनी चौक, चांदनी चौक से मैंने ये सूट लिया, ये मुझे स्टिच करवाना पड़ेगा, ये काफ़ी ब्लिंगी ब्लिंगी सा है, देखो ये कैमरा में इतना आ नहीं रहा, बट ये बहुत ही प्यारा है, नीचे से भी ऐसे ये ब्लिंगी ब्लिंगी सा है, आई मीन इसका बॉर्डर है ये बिल्कुल ब्लिंगी। और इसके साथ है ये दुपट्टा और ये सलवार, और मैंने शुरुआत की, और मैंने लिया चांदनी चौक से, इसमें नेकलेस है और ईयरिंग्स, और ऐसे एक ये यहाँ पे टीका होता है वो है, बट ये मुझे नहीं लगता मैं ये टीका यूज़ करूँगी, बट मुझे नेकलेस और ईयरिंग्स काफ़ी अच्छे लगे। मैंने ये दो दो लिए, एक मैंने अपनी फ्रेंड के लिए भी लिया है, ये मैंने सिर्फ 100 में लिया है। और फिर उसके बाद मैं गई थी जे वाला बाज़ार, मेरे फिर से दिमाग से निकल गया उसका नाम, वहाँ से मैंने ये ड्रेस ली, ये ड्रेस बहुत ही क्यूट है, फ्लोरल सी ड्रेस है, और ये मैंने ली है, ये मुझे बोल रहे थे 550 में, और मैंने ये 350 की ली थी ये भी ड्रेस। और मैंने ये वाटर ड्रॉप वाले ईयरिंग्स भी लिए हैं जनपद से, ये मुझे सिर्फ 50-50 में मिले हैं, एक तो मैंने लिया गोल्डन और एक सिल्वर। और ये जो सूट था चांदनी चौक वाला, ये वाला मैंने 1000 का लिया है, ये मुझे वो 1250 का बोल रहे थे, तो मैंने बार्गेन कर करके 1000 का करवा लिया। मैं दिल्ली से पंजाब वापस जा रही हूँ और मुझे काफ़ी मज़ा आया, मैंने काफ़ी नई नई चीज़ें एक्सप्लोर की, और मैं मेट्रो में भी बैठी, तो काफ़ी बढ़िया ट्रिप था ये, तनु को भी काफ़ी मज़ा आया और मेरे मम्मा को भी, और आई होप आप सबको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो, तो मेरे व्लॉग को लाइक कर देना, अच्छे अच्छे कमेंट्स कर देना, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, और नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए बाय।